यह ओबरा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है। अभी आप लगे हुए इस बोर्ड के माध्यम से कंफर्म होते हैं यह स्थान कहां पर है और मैं कहां पर खड़ा हूं। फ्रेंड्स, आइए अंदर चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, इस स्टेडियम में जो आप बाएं तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में टेबल टेनिस और बैडमिंटन के इंडोर गेम्स होते हैं। बाकी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। इस स्टेडियम में क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल और हॉकी का ग्राउंड है, जहाँ पर अपेक्षित जो एथलीट हैं और जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। यह सुबह का समय है। जैसे जैसे सुबह होती है, वार्म अप और एक्सरसाइज के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। यह स्टेडियम अपने गौरवशाली अतीत को का साक्षी रहा है, जब यहाँ पे स्टेट लेवल की बहुत सी रैलियाँ होती रही हैं, बहुत से टूर्नामेंट क्रिकेट के हुए हैं, हॉकी और फुटबॉल के टूर्नामेंट यहाँ पर हुए हैं, आज भी होते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत सी रैलियाँ यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, जिसके लिए यह स्टेडियम बहुत ही सूटेबल है। जस्ट बगल में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी पीजी कॉलेज ओबरा भी है। आवश्यकता पड़ने पर वहाँ की बहुत सी रैलियाँ यहाँ पर आयोजित होती हैं। यह बैठने का स्थान है जहाँ पर दर्शक बैठते रहे हैं। आज आप इसे जिस भी रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैंने इसके एक भव्य रूप को देखा है। जब यह स्टेडियम कह सकते हैं अपने युवा काल में था, हर तरह से चमचमाता था। ये तीनों ग्राउंड जो इसके क्रिकेट के, हॉकी के और फुटबॉल के ग्राउंड हैं, ये चारों तरफ से इनकी फेंसिंग होती थी। दर्शक सीधे ग्राउंड में नहीं पहुंच सकते थे, खासकर क्रिकेट के का जो ग्राउंड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह स्थान आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, लोग टहलने निकले हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट मन को आनंदित और ऊर्जावान कर रही है। नौजवानों और युवकों के लिए यह स्टेडियम बहुत ही उपयोगी है। वह यहाँ पर आते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं, ग्राउंड में उनके उन रनअप करते हैं, वो वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत से खेलों की वो प्रैक्टिस करते हैं। हमने इस स्टेडियम के गौरवशाली अतीत को देखा है, जब यहाँ पर बहुत सी रैलियाँ हुआ करती थी। आप अभी जैसा कि देख रहे हैं, आपको कुछ यहाँ पर कह सकते हैं, मेंटेनेंस में आपको बहुत सी कमी नज़र आ रही है, रख रखाव में थोड़ी अनदेखी की जाती है। यह स्टेडियम ओबरा परियोजना के अंतर्गत आता है और इस स्टेडियम की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। अपनी जिस भी स्थिति में यह स्टेडियम है, मैं आपको जिस ग्राउंड को दिखा रहा हूँ, यह फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, और जस्ट इसके बगल में हॉकी का ग्राउंड है। समय के साथ खेलों का रुझान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रहा, उसके बाद फुटबॉल की तरफ रहा और हॉकी की तरफ। आप जैसा जानते हैं कि लोगों का, नौजवानों का रुझान लगातार घटता गया, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हमने बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के खिताब इसमें हासिल किए हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम तो आप सभी को जुबान पर आता होगा। यहाँ पर सुबह के समय आप देख सकते हैं, लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं, योग प्राणायाम करते हुए बैठे हुए स्थानों पर लोग दिखाई देते हैं। मैं भी समय समय पर इधर आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह जो ओबरा स्टेडियम है, ये कितनी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जनपद में और नगर में आज भी खेलकूद के जो बहुत से आयोजन होते हैं, विभागीय आयोजन होते हैं, वह भी इस स्टेडियम में ही होते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा स्टेडियम के रख रखाव पर और ध्यान दिया जाए, खासकर गंदगी जो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, चिप्स और तमाम तरह के जो स्नैक्स लेके आते हैं, पानी की बोतल लेकर आते हैं, उन सभी सामानों का प्रयोग करने के बाद वह इन्हीं स्थानों पर, अलग अलग जगह पर गंदगी के रूप में छोड़ देते हैं, जिससे इसकी सुंदरता और इसकी स्वच्छता पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, यह स्टेडियम मेरा है, इसका रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा,
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।